दादरा नगर हवेली से लोकसभा के निर्दलीय सांसद 58 वर्षीय मोहन भाई तेलकर मुंबई के सी ग्रीन होटल में मृत पाए गए। पुलिस को गुजराती में लिखा सुसाइड नोट मिला, जांच जारी। टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली कोर्ट ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। दिल्ली पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की पुलिस रिमांड। दिशा के वकील बोले, बेवजह परेशान कर रही है पुलिस। पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम मोदी ने चुनावी रैली में ममता बनर्जी को घेरा। कहा, राज्य के 1 से 1.75 करोड़ घरों में से केवल 9 लाख में पानी की पाइपलाइन। टीएमसी बंगाल की बेटी के साथ अन्याय कर रही है। सीबीआई ने कोयला घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली को भेजा नोटिस। अभिषेक ने कहा कि इन हथकंडों से डरने वाले नहीं। अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा। योगी सरकार ने बजट 2021 में एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। पुडुचेरी में सदन का विश्वास खोने के बाद मुख्यमंत्री वी नारायण सामी और उनके मंत्री परिषद ने उपराज्यपाल डॉ तमिलिसाई साउंडराजन को सौंपा इस्तीफा। नारायण सामी ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी 81 वर्षीय कवि वरवरा राव को 6 महीने के लिए मिली जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए किया जमानत देने का फैसला। केरल और महाराष्ट्र में बढ़े कोरोना के मामले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, अगले कुछ दिनों तक बढ़ते रहे कोरोना के केस तो फिर लगाया जाएगा लॉकडाउन। और पड़ोसी राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर कर्नाटक में कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए मैरिज हॉल में मार्शल तैनात करने की योजना। शादी में आने वाले मेहमानों के लिए मास्क अनिवार्य। पतंजलि का कोरोनिल एक बार फिर विवादों में है। इस बार कोरोनिल को मिले कथित सर्टिफिकेट और बाबा के दावे को लेकर विवाद हुआ है। बाबा का दावा था कि कोरोनिल के पास फार्मास्यूटिकल उत्पाद का प्रमाण पत्र है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी कि GMP द्वारा मान्यता मिली है। पतंजलि ने दावा किया कि इससे साबित होता है कि कोरोनिल कोरोना के खिलाफ कारगर है। हालांकि पतंजलि के इस दावे को खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नकार दिया है। संगठन के साउथ ईस्ट एशिया विंग ने ट्वीट कर बताया कि WHO ने कोरोना के इलाज के लिए किसी भी पारंपरिक दवाई की इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता की समीक्षा या सर्टिफिकेशन नहीं किया है। दरअसल 19 फरवरी को बाबा की कंपनी पतंजलि ने दावा किया था कि इसने कोरोना की दवाई की खोज कर ली है। पतंजलि की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया, गौरव का क्षण, कोरोना की दवा बनाने की पतंजलि की वैज्ञानिकों की कोशिशें आज कामयाब हो गई। बाबा ने खुद दावा किया कि दवाई को लेकर कंपनी के पास 25 रिसर्च पेपर हैं और अब इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने उसी शाम एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि WHO की एक पूरी टीम हमारे यहाँ विजिट के लिए आई थी। WHO ने कोरोनिल को 150 से ज्यादा देशों में बेचने का लाइसेंस दिया है। इंटरनेशनल टॉप 9 जर्नल्स में इसके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन कंपनियों पर मेडिकल टेररिज्म का भी आरोप लगाया था। बाबा रामदेव का दावा पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालाकृष्णन के ट्वीट से झूठा साबित हो जाता है। विवाद होते ही आचार्य बालाकृष्णन ने ट्वीट किया और कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि कोरोनिल के लिए WHO की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत COPP सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। पतंजलि की तरफ से जारी बयान में भी कहा गया कि कोरोनिल को WHO सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी कि COPP आयुष मंत्रालय ने जारी किया था। आयुष मंत्रालय के मुताबिक कोरोनिल टैबलेट को कोविड की लड़ाई में एक सहायक उपाय के तौर पर मान्यता दी गई। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन सदस्य देशों के बीच दवाइयों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक लाइसेंस जारी करता है। ये लाइसेंस WHO सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट के मिल जाने से WHO के सदस्य देश आपस में दवाइयों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये लाइसेंस दवाई की कारगरता साबित करता हो। यानी कोरोनिल को लेकर बाबा का दावा फेक है और इस तरह के फेक दावों से बचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।
देश में मीडिया की आजादी और इसके बदलते स्वरूप को लेकर चर्चा गर्म है। इसी बीच मशहूर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भारतीय मीडिया और खबरों की खपत को लेकर एक दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक टीवी और अखबारों का वर्चस्व धीरे धीरे बाजार से खत्म हो रहा है और सोशल मीडिया भारतीयों की खबरों के मामले में पहली पसंद है। सबसे चौंकाने वाली बात रिपोर्ट में ये निकल कर आई है कि अब ऑनलाइन मीडिया खबरों के मामले में टीवी और अखबार से कोसों आगे निकल गया है। मसलन समाचार के मुख्य स्रोत के मामले में 35 साल से कम उम्र के 56% लोग ऑनलाइन मीडिया पर निर्भर हैं, 28% सोशल मीडिया, केवल 2% रेडियो, 16% प्रिंट मीडिया और 26% टीवी मीडिया पर निर्भर हैं। इसी तरह समाचार के मुख्य स्रोत के मामले में 35 साल से ज्यादा उम्र के 38% लोग ऑनलाइन मीडिया, 19% सोशल मीडिया, 1% रेडियो, 27% अखबार और 34% टीवी मीडिया पर निर्भर है। आसान भाषा में कहें तो जवान का मन टीवी और प्रिंट मीडिया से उचट रहा है। हालांकि उम्रदराज लोग अभी भी अखबार और टीवी को भरोसेमंद मानते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में चिंताजनक बात भी सामने आई है। मालूम पड़ता है कि 52% जनता फेसबुक और लगभग इतने ही लोग व्हाट्सएप पर खबरों के लिए रुख कर रहे हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स अक्सर झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन पर खबरों के नाम पर जहरीला और भ्रामक कंटेंट धड़ल्ले से शेयर होता है। भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप से खबरें पाने वाले यूजर्स का आंकड़ा अमेरिका, टर्की और ब्राजील से भी ज्यादा है। एक और बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है कि खबरें पढ़ने के लिए 68% भारतीय स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि विकसित देश अमेरिका में यही आंकड़ा सिर्फ 39% है। जाहिर है इसकी वजह देश में पिछली सरकारों के दौरान हुई टेलीकॉम क्रांति है कि करोड़ों भारतीय आज स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को बाखबर रखते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि आखिर एक भारतीय यूजर क्या सोचकर किसी खबर पर क्लिक करता है। मसलन 58% लोग सबसे पहले न्यूज ब्रांड यानी मीडिया संस्थान के नाम पर ध्यान देते हैं। किसी भी खबर पर क्लिक करने से पहले 63% हेडलाइंस और पिक्चर देखते हैं और 56% देखते हैं कि आखिर उसे कौन उसकी टाइमलाइन पर खबर शेयर कर रहा है। 46% लोग उस न्यूज आइटम पर कितने लाइक और कमेंट हैं इसका भी ध्यान रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच अक्सर बात उठती है कि यहाँ गरीब किसान नहीं है। कारण है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की भागीदारी, जो देश के एक सामान्य किसान की तुलना में काफी अमीर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस देश में हर साल दसियों हजार किसान कर्ज के बोझ के चलते खुदकुशी कर लेते हैं, वहां केंद्र सरकार को ढूंढने से भी गरीब नहीं मिल रहे हैं। ये हम नहीं, खुद केंद्र सरकार कह रही है। कृषि मंत्रालय के 2020-21 में 1,82,762 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया था, जिसे संशोधित चरण में 13% घटाकर 1,24,520 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसमें पीएम किसान योजना पर प्रस्तावित खर्च में 10,000 करोड़ रुपए की कटौती शामिल है। दरअसल 2019-20 में पीएम किसान योजना के 26,286 करोड़ रुपए सरकार इसलिए खर्च नहीं कर पाई क्योंकि उसे इस योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी नहीं मिले। इसी वजह से अब इस स्कीम में कटौती की गई है। पहले समझिए पीएम किसान योजना आखिर है क्या। दरअसल इस योजना के तहत प्रति वर्ष उन किसान परिवारों को 6,000 रुपए की 3 किश्तों में मदद की जाती है जिनके पास 2 एकड़ तक जमीन होती है। इस योजना की परिभाषा में एक परिवार का मतलब पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। हाल में ही किसान आंदोलन के बीच इस योजना के अंतर्गत 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दिए गए। सुनने में 18,000 करोड़ रुपए आपको शायद बड़ी रकम लगे, लेकिन जिस देश में 54% लोग खेती से जुड़े हों वहां ये आंकड़ा खास मायने नहीं रखता। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में हाउसहोल्ड साइज यानी कि एक परिवार के सदस्यों की गिनती थी 4.8 यानी तकरीबन 5 लोग। अब अगर 18,000 करोड़ रुपए को 9 करोड़ किसान परिवारों में बांटा जाए तो
तो पता चलेगा कि हर परिवार को मिले 2,000 रुपये। 5 सदस्यों का औसत माना जाए तो परिवार के हर सदस्य के हिस्से आते हैं लगभग 400 रुपये। आसान भाषा में कहें तो हर लाभान्वित परिवार के व्यक्ति को खर्चे के लिए मिले 13 रुपये 33 पैसे प्रतिदिन। आप सोचिए कि 13 रुपये में किसी व्यक्ति के एक दिन के खाने, कपड़े, दवाई आदि के खर्च का जुगाड़ कैसे हो सकता है। वैसे गौर करने की बात यह भी है कि ये पैसा केवल उन्हीं लोगों को दिया गया जिनके पास खेती की जमीन थी। ऐसे खेतीहर मजदूरों और भूमिहीन मजदूरों को इससे कोई लाभ नहीं मिला जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। ऐसे लोगों को ना कभी सब्सिडी मिलती है और ना ही किसी प्रकार की अन्य सरकारी सहायता। एक हकीकत यह भी है कि किसानों की आय शहर में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों से भी कम है। मसलन भारत सरकार के 2015-16 के अपने आंकड़े बताते हैं कि बिहार में एक किसान परिवार सिर्फ 45,317 रुपये सालाना कमाता है, यानी बिहार का एक पूरा किसान परिवार औसतन 124 रुपये प्रतिदिन में अपना गुजारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। जलवायु परिवर्तन इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले में धर्म और धर्म गुरुओं की मदद लेने का फैसला किया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन ने एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत फेथ फॉर अर्थ अभियान शुरू किया है। इसका मकसद दुनिया भर के धार्मिक संगठनों, धर्मगुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं की मदद से 2030 तक धरती के 30% हिस्से को प्राकृतिक परिस्थिति में बदलने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर इयाद अबू मोगली कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन मानव समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके बावजूद अभी तक दुनिया की ज्यादातर आबादी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाई है। जलवायु परिवर्तन रोकने के तमाम प्रयासों के निष्कर्ष से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिर्फ धर्म में ही वो शक्ति है जो दुनिया की बड़ी आबादी को पर्यावरण योद्धा बना सकता है। डॉक्टर याद ये भी कहते हैं कि विज्ञान आंकड़े तो दे सकता है, मगर आस्था ही धरती बचाने का जुनून पैदा कर सकती है। डॉक्टर याद का मानना है कि विज्ञान और धार्मिक आस्था में ठीक वैसा ही संबंध है जैसा ज्ञान और क्रियान्वयन में। एक के बिना दूसरा अधूरा है, यही फेथ फॉर अर्थ अभियान शुरू करने के पीछे का मूल विचार है। जब उनसे पूछा गया कि ये विचार आया कहां से, तो डॉक्टर इयाद ने बताया कि 2017 में यूएन की बैठक में 193 देशों ने आने वाले दशक के लिए 3 लक्ष्य तय किए थे। पहला, गरीबी हटाना, दूसरा, सबको शिक्षा देना और तीसरा, पर्यावरण बचाना। इस मंथन में ये बात निकली थी कि पर्यावरण बचाने में दुनिया भर के धार्मिक संगठनों का जितना योगदान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इन संगठनों की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के 80% लोग धार्मिक नैतिकता का पालन करते हैं। यदि इन संगठनों की कुल संपत्ति जोड़ दी जाए तो ये दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। दुनिया की 10% रिहायशी जमीन इन संगठनों के पास है। 60% स्कूल और 50% अस्पताल धार्मिक संगठनों से जुड़े हैं। इस ताकत को मानव कल्याण के लिए मुख्य धारा में लाने की मंशा ने फेथ फॉर अर्थ अभियान को जन्म दिया है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस फेथ फॉर अर्थ की वेबसाइट पर पूरे विश्व के अलग अलग धर्मों का जिक्र करता है और ये बताता है कि उन धर्मों में पर्यावरण संरक्षण की बात किस तरह से कही गई है। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी वेबसाइट पर बौद्ध, ईसाई, हिंदू, इस्लाम, जैन सहित कई धर्मों का उल्लेख किया है। इस मुहिम से पोप फ्रांसिस और शिया इस्माइली मुस्लिमों के इमाम इको योद्धा बन चुके हैं। भारत में इस मुहिम के हेड अतुल बगई ने टिकाऊ भविष्य के लिए सदगुरु श्री श्री रविशंकर, शिवानी दीदी और राधानाथ स्वामी जैसे धर्म गुरुओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। डॉक्टर याद कहते हैं कि इसी साल विश्व के धर्मगुरुओं की संसद जेनेवा में आयोजित होगी। इसमें धार्मिक इको योद्धा भी आएंगे। विज्ञान और धार्मिक आध्यात्मिक नैतिकता को जोड़कर वे इस अभियान को विस्तार देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। We'll be right back.
मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कांग्रेस शासित नारायण स्वामी की सरकार को आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना था। हाल में जिस तरह से पुडुचेरी में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हुआ और एक के बाद एक कांग्रेस के कई विधायक और मंत्रियों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आज नारायण स्वामी को सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करना था। पुडुचेरी विधानसभा में 33 सदस्य हैं और उसमें से बहुमत के लिए नारायण स्वामी को 14 का आंकड़ा जुटाना था, लेकिन बहुमत साबित करने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस का एक विधायक और डीएमके का एक विधायक जो इस गठबंधन में शामिल थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा की सदस्यता के साथ साथ कांग्रेस के विधायक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और ऐसे में नारायण स्वामी की सरकार अल्पमत में आ गई। आज विधानसभा में सत्र के प्रारंभ होते ही सदन के पटल पर नारायण स्वामी ने इसकी घोषणा की और ये भी आरोप लगाया कि किस तरह से बीजेपी की केंद्रीय सरकार पुडुचेरी की कांग्रेस शासित सरकार को डीस्टेबलाइज करने की लगातार कोशिश करती रही। नारायण स्वामी ने एलजी रही किरण बेदी के ऊपर भी आरोप लगाया कि वो लगातार बीजेपी और खासतौर से विपक्षी दलों के साथ साठगांठ कर उनकी सरकार को पहले दिन से ही अस्थिर करने की कोशिश में लगी रही और आज यही जो हुआ है उसके पीछे एक बड़ी गहरी साजिश थी और उस गहरी साजिश में कहीं ना कहीं केंद्र की बीजेपी की सरकार शामिल थी और एलजी रही किरण बेदी के जरिए उनके सरकार को अस्थिर किया गया। அமைச்சரவை காங்கிரஸ் கட்சியுடைய சட்டமன்ற திராவிட சட்டமன்ற ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று नारायण स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि किस तरह से मोदी सरकार पुडुचेरी को आर्थिक मदद नहीं दे रही थी, किस तरह से जो आर्थिक आवंटन केंद्र के जरिए राज्य सरकारों को होना था वो लगातार पुडुचेरी को उससे वंचित किया जा रहा था। नारायण स्वामी ने कहा कि वो फ्रेश मैंडेट के लिए कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी और जनता के बीच इस बात को रखेगी कि किस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार पीछे के दरवाजे से पुडुचेरी की चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर कर रही थी और आखिरकार उस सरकार को गिरा दिया। अजय झा, गो न्यूज़।